दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HG स्टडी क्लासेस पे। दोस्तों आज अपन सीखेंगे एक महीने में कितने दिन होते हैं और इसे याद कैसे रखा जाता है। ठीक है दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने हमें याद है और इनके दिन क्या क्या होते हैं अपन को कंफ्यूजन है, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए और अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए ताकि वो भी इस कंफ्यूजन से दूर हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक महीने जिस तरह से देखो, एक ट्रिक है, हाथ अपने हाथ की जो हड्डियां ऊपरी वाली भाग है उसको अपन 31 दिन का मानते हैं। ठीक है दोस्तों, 31 दिन का, और फरवरी अपन 28 या 29 दिन का मानते हैं, क्योंकि दोस्तों एक पृथ्वी को सूर्य के पूरा एक चक्कर लगाने में कितने 365 दिन 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं, तब इसको 4 साल में, दोस्तों 4 साल में ये पूरे महीने का कवर करता है, मतलब 28 या 29 दिन का कवर हो जाता है, इसलिए ये कभी कभी 29वां महीना लग जाता है, बाकी हमेशा 28वां महीना होता है। ठीक है, 28 दिन का महीना होता है, कभी कभी 29 दिन का महीना होता है, तो ये 4 साल में एक बार आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों अपन को 7 ही गिनने हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर ऊपर लिख लिखा है 7, मतलब यहाँ से अपन ऊपर वाला भाग से स्टार्ट करेंगे तो 7 बार गिनना है यहाँ से। जनवरी जिस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां नहीं गिनना है दोस्तों, यहाँ गिन जाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है, तो ये अपन को 7 बार ही गिनना है, मतलब एक सप्ताह तक ही गिनना है, 7 दिन मतलब सप्ताह। तो अपन गिनते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने फरवरी का कंप्यूज कर लिया, ये प्रत्येक 4 साल में इनका आंकड़ा बदलता रहता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक 4 साल में आंकड़ा बदलता है। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पर 30 दिन जो नीचे वाला भाग है उनको अपन 30-30 दिन कर देते हैं। ठीक है, अब अपन गिनते हैं जनवरी, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें भरते जाएंगे, जनवरी कितने दिन का होता है, जनवरी 31 डेज का होता है। ठीक है दोस्तों, फरवरी 28 या 29 का होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये प्रत्येक मतलब पृथ्वी को सूर्य के पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं, इनको जोड़ने से एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए ये 4 साल में एक दिन होता है। ठीक है दोस्तों, 29वां महीना हो जाता है। फिर मार्च, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च कितना हो गया 31 दिन का। ठीक है दोस्तों, मार्च के बाद अप्रैल कितना हो गया, अप्रैल के बाद मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 का हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 30 का हो गया, जुलाई 31 का हो गया। ठीक है दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब अगस्त, वापस अगस्त 31 का ही है दोस्तों, यहाँ पर अपन को कंफ्यूजन नहीं होना है, 7 के बाद वापस ऊपर से गिनेंगे तो अगस्त 31 दिन का आएगा। फिर सितंबर 30 दिन का होगा, फिर अक्टूबर 31 दिन का होगा, फिर नवंबर 30 दिन का होगा, फिर दिसंबर 31 दिन का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है फरवरी में। ठीक है दोस्तों, फरवरी और जुलाई अगस्त में, क्योंकि अपन को यहाँ से 7 गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ 8वां नहीं गिनना, इस तरह 8वां गिन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।